भाई साहब पटका डालकर हमको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। रिया चौधरी जी हमारे इस खिते के जनरल सेक्रेटरी हैं एसपी मोर्चे के, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच में आ जाएंगे। मेरे जो भाई साहब हैं ये भी हमारे एक बड़े नेता है, मैं इनसे भी कहूंगा कि ये भी मंच में आए। और खासकर हमारी जो राजौरी कुंज की 8 विधानसभा की सीटें हैं, अब वो सारी की सारी हम जीत पाएंगे ऐसा मेरा उम्मीद है। पार्टी पहले से खिते के अंदर सशक्त है, मजबूत है, परंतु इनके आने से पार्टी को और ताकत मिली है। हम सरकारों का हिस्सा रहे लेकिन हमें सिर्फ डरा के रखा गया। हमें कहा गया कि जम्मू के मुसलमानों को अगर आपने जिंदा रहना है, आपने बचना है, तो एनसी को वोट देना होगा, आपने चलना होगा कश्मीर की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। और मुझे एक छोटा सा अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि हमें तो यहां डराते हैं दिल्ली से बहुत सारी बातें करने की, हमें राजनीति से ऊपर उठना है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हम तो अभी धर्म की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे पेट में खाना होगा, धर्म की बात हम तब करेंगे जब हमारे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज होगा। जब लोग जिंदा रहेंगे तब बात करेंगे, विकास में आगे बढ़ पाएंगे तब बात करेंगे। बाकी कोई जमात में जाना मजहब नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम अपना मजहब नहीं बदल के शामिल हुए। हमारा मजहब जो है वही है, हम उसी मजहब में हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि हिंदूवादी पार्टी में जाए। अरे कांग्रेस में कौन कौन से उल्मा बैठे हैं, हम एक लैंड लॉक एरिया है हमारा जो बॉर्डर पे है, जो किसी वक्त पार्टीशन से पहले सेंटर ऑफ एक्टिविटी हुआ करता था, लेकिन जो खूनी लकीर जो जम्मू के लोगों पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने खूनी लकीर खींची LOC, उनको तो अल्लाह उनसे हिसाब लेगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों को एक बंद करके रख दिया गया।